एक जंगल में दो मगरमच्छ रहते थे और उसके पत्नी ने तीन अंडे दिए थे। अरे ये तीन अंडे में से मेरे बच्चे निकलेंगे, मेरे को पापा बुलाएंगे। मगरमच्छ ने खाने का इंतजाम करने के लिए वहां से चला गया। मगरमच्छ के जाने के बाद एक गिद्धड़ ने आकर वो अंडे के पास पहुंचा और उसको देख के बोला, अरे यहाँ पर तो तीन तीन अंडे हैं, मैं इसको खा लूँगा तो आज के लिए मेरा पेट भर जाएगा। और वो गिद्धड़ एक एक करके वो तीन अंडे को झटपटा से खा लिया। और कुछ देर के बाद वहाँ पे मगरमच्छ आकर पहुँचा। अरे मेरे अंडे को किसी ने खा लिया है, मैं अब पापा नहीं बन पाऊंगा। मगरमच्छ ने जमीन पे गिड़गिड़ा के रोने लगा। और एक साल के बाद मगरमच्छ ने फिर से अंडा दिया और वो पापा बनने की खुशी में झूम उठा। और जब वो खाना लेने के लिए गया था तो फिर से वही गिद्धड़ वो अंडे के पास आकर पहुंचा। अरे ये तो बहुत मज़ेदार अंडा है, दूसरी बार मेरे को मिल रहा है, मैं इसे खा के पूरा पेट भर लूँगा। गिद्धड़ ने एक एक करके सारे अंडा फिर से खा लिए। वो मगरमच्छ आकर देखा तो अंडा किसी ने खा लिया था और वो नीचे गिड़गिड़ाने लगा। और मगरमच्छ ने जाकर कोयल के पास में पहुंचा। अरे कोयल, तुम तो जंगल के बुद्धिमान पक्षी हो, मेरे अंडे को कोई बार बार खा लेता है, तुम एक बात ऐसी बताओ कि वो जड़ से मिट जाए। अरे मगरमच्छ, तुम एक काम करो, अंडे के जगह तीन तीन बम्ब रख दो वहाँ पे, जो वहाँ पे अंडे खाने आता है जब वो बम को अंडे समझकर खाएगा तो उसका चितना चितना उड़ जाएगा। और मगरमच्छ ने इस बार अंडे की जगह तीन बम्ब रख दिए थे और वही गिद्धड़ वो अंडे के पास आकर पहुंचा। अरे इसी बार सफेद के बदले काला काला अंडा है तो ज़्यादा मज़ा आएगा, चलो मैं इसका खा लेता हूँ। और जैसे वो मुंह में एक अंडा लिया वो तुरंत ही फट गया और वो गिद्धड़ के चितने चितने उड़ गए और वो मगरमच्छ वहाँ पे आकर पहुँचा। अरे हर बार मेरा अंडा खा लेता था, इस बार जाओ यमलोक में मजे करो कोयल पक्षी, आपका बताया हुआ आइडिया पूरा काम कर गया। तो दोस्तों, देर किस बात की कर रहे हो, इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो।